तो भाई अभी के टाइम पे जो है सभी को कोडिंग सीखना है, सभी को आईटी में जाना है, सभी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ओके। लेकिन कोडिंग करने बहुत लोगों को करने में परेशानी होती है, तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग पूछते हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसे जो है जॉब प्रोफाइल बता दो जिसमें कि कोडिंग की रिक्वायरमेंट भी ना हो और हम अच्छे खासे पैकेजेस भी निकाल लें। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, ऐसे छः जो हैं छः ऐसे जॉब्स प्रोफाइल में बताने वाला हूँ जिसमें लेस कोडिंग की रिक्वायरमेंट है, मतलब ना के बराबर है, लेकिन आप लोग को सैलरी वही पे बहुत हाई है सैलरी, ओके। तो इस वीडियो में चलिए हम जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की। तो सबसे पहला जॉब प्रोफाइल जो है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अभी आप लोग जैसे देख रहे हो हर कंपनी को अपना सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करना है, सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, सब करना है। तो इसमें जो है सोशल मीडिया में ग्रो करने के लिए आप लोग को चाहिए कि हाँ उसको तो उतना मतलब ये नहीं है कि हाँ बैठ के वो कंपनी वाले लोग सोशल मीडिया को अपना ग्रो करते रहे, तो वो लोग उसके लिए इम्प्लॉय हायर करते हैं जो कि सोशल मीडिया को उनके मैनेज कर सके या फिर उनके लिए जो है रील्स बना सके, वीडियोस बना सके, ये सब कर सके। तो ये सोशल मीडिया मैनेजर का बेसिकली यही काम होता है कि आप लोगों को सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए और अपना उसमें ट्रेंड एनालाइज ये सब करके उनको ग्रो करवाना चाहिए सोशल मीडिया पे। तो ये आप लोग को आता है, ये स्किल सीख लो तो आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। और इसका जो है मतलब सैलरी भी वही 4-5 लाख के अराउंड होता है एवरेज, तो आप लोग जा सकते हो इस फील्ड में। और इसके बारे में आप लोग आगे जानना चाहते हो तो बहुत सारे चैनल्स हैं, आप लोग यूट्यूब पे विजिट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जॉब प्रोफाइल। सेकेंड हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो है ये होता है ग्राफिक डिज़ाइनर का। ग्राफिक डिज़ाइनर जैसे आप लोग देखते हो बहुत सारे कंपनी का बैनर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या फिर यूट्यूब का थंबनेल चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये भी सोशल मीडिया का एक पार्ट है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर ये सब करता है। तो अगर आप लोग इस सब में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग को डिज़ाइनिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो इसमें भी आप लोग कोडिंग की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, आप लोग इजिली अपना जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करियर बना सकते हो। और इसके भी सैलरी वही इन जितने मैं जॉब्स आप लोगों को बताऊंगा इनका स्टार्टिंग सैलरी भाई 5-6 LPA होगा और बाकी आप लोग ग्रो करते करते बढ़ सकते हो। बाकी तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं कि आप लोग अच्छा कुछ करोगे तो आप लोग अपना मतलब बहुत हाई हाई पैकेज निकाल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग इसका यही होता है। तो ये हो गया ग्राफिक डिज़ाइनर। और उसके बाद इसी में एक आता है UI UX डिज़ाइनर जो कि वेबसाइट का डेवलपर होता है, उसका जो ऊपर का जो है इंटरफेस आप लोग देखते हो तो वो UI UX डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है और बाकी डेवलपर को देता है, वो कोड करके उसको मतलब डेवलप करता है। तो UI UX डिज़ाइनर का भी काम होता है बेसिकली उसको डिज़ाइन ही करना। तो ये आप डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग UI UX डिज़ाइनर ये सब बन सकते हो आप, ओके। तो ये हो गया हमारा ये कुछ दो जॉब प्रोफाइल जो कि आप लोग को मतलब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ये जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा होता है हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए आप लोग को स्किल की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी CS की, कंप्यूटर साइंस की, ओके। तो लेकिन इसमें कोडिंग की उतनी नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत है तो ठीक है, नहीं तो बस आप लोग को कमांड ये सब चलाना आना चाहिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आना चाहिए, फिर आप लोग को नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो फिर आप लोग इस फील्ड में जा सकते हो। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये सब करते हैं कि वो जो बेसिकली कंपनी पे अटैक वटैक होते हैं, साइबर क्राइम ये सब, उससे बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हैकर जिसको बोलते हैं, तो वो मतलब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का ये काम होता है कि हाँ वो बनाए अपना और कंपनी को वो सेफ रखें ताकि उस पर जो है बाहर से कोई अटैक वटैक ना हो, मतलब सिक्योरिटी का कोई मतलब वो बेसिकली सिक्योरिटी का उनका सारा काम होता है, देखना होता है हाँ कैसे ये हमारा सिक्योर रहेगा डेटा सब। तो ये आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जा सकते हो। और उसके बाद चौथा हम प्रोफाइल देख लेते हैं बिजनेस एनालिस्ट का। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है बेसिकली कि बिजनेस जो भी होता है उसको एनालाइज करना, उसके थ्रू क्लाइंट से डील करना और उसके बिजनेस प्रॉब्लम को समझना और उस पर जो है एनालिसिस करके उसके बिजनेस को ग्रो करना। तो ये बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। तो ये बिजनेस एनालिस्ट के काम के लिए आप लोग को इसमें भी कोडिंग की जरूरत नहीं, बस आप लोग को पाइथन वाइथन आता है नॉर्मल तो सही है, SQL ये सब सीख लो, उसके बाद में इसमें विजुअलाइजेशन का, एक्सेल मतलब Power BI ये सब सीख लोगे तो आप लोग इजिली बिजनेस एनालिस्ट के फील्ड में जा सकते हो, ओके। तो ये हो गया हमारा चौथा। अब पांचवे की बात कर लेते हैं, तो ये है डेटा एनालिस्ट। ये भी मतलब सिमिलर बिजनेस एनालिस्ट का स्किल इसमें भी रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन इसमें डेटा पे काम करना होता है, जैसे कि डेटा आजकल तो देख रहे हो बहुत सारा डेटा मतलब, तो सभी को जो है कंपनी को कहीं ना कहीं से डेटा चाहिए, उसके उसको लेके अपना एनालाइज करके और उसके बाद उसको उस मतलब उस चीज से मार्केट में उतरेगी ताकि उसको ग्रोथ मिले। जिस टाइप का डेटा, जिस टाइप का चीजें लोगों को पसंद है उस टाइप का वो जो है डेटा कलेक्ट करेगी, उसके बेसिस पे अपने कंपनी को वो
मतलब तैयार करेगी कि हाँ उसका कंपनी कैसे ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है। तो डेटा, उसे बहुत सारे बल्क में डेटा आते हैं, उसको एनालाइज करके, उसको सॉर्ट करके, मतलब उसको विजुअलाइज करके देखते हैं कि हाँ कहाँ से क्या हो रहा है और फिर यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हमारा बिजनेस जो है ग्रो करेगा इससे भी और ज्यादा से ज्यादा। तो ये होता है डेटा एनालिस्ट का काम। तो यहाँ पे डेटा एनालिस्ट जो है आप बन सकते हो, इसमें भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस बिजनेस एनालिस्ट की तरह ही छोटी मोटी पाइथन वाइथन एसक्यूएल ये सब सीख लो, और उसके बाद जो है अप्लाई करना स्टार्ट करो और रिज्यूमे सब अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाओ, और उसके बाद आप लोग अपना कर सकते हो इसमें भी। तो ये पांच हमारी प्रोफाइल्स हैं जो कि आप लोग को, ये विदाउट कोडिंग है, लेस कोडिंग है, मतलब इसमें ना के बराबर, और आप लोग करियर इसमें परसू कर सकते हो अपना, और आगे इसमें भी ग्रोथ अपना ले सकते हो इसमें एक्सपीरियंस लेते लेते। ओके, तो भाई ये कुछ पांच जॉब प्रोफाइल्स हैं जो कि आप को इसमें लेस कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी या फिर कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो आप, और इसमें थोड़ा सा ये टूल वूल जो है इसके आप लोग अपना सर्च करो यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स हैं यहाँ पे। आप लोग बोलोगे कि हाँ किस पे और वीडियो चाहते हो तो मैं बना दूंगा इस पे और, लेकिन आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारे चैनल्स हैं यहाँ पे। WSQ एक चैनल है, वहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मतलब बहुत सारे चीज़ के वहाँ प्ले लिस्ट पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, और बाकी खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो आप वहाँ पे जाके। तो देखो और फिर यहाँ पे अपना जो भी करना है, आप अपना जो भी करियर आप चुनना चाहते हो वो चुनो और उसमें आगे ग्रो करो। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मिलती है इससे और वीडियोस बनाने की। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।